संजय गुप्ता, कटिहार। बिहार में शिक्षा का हाल बेहाल है। जमीन के अभाव में कई विद्यालय जहां दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कराए गए हैं, तो कई विद्यालय झोपड़ियों में चल रहे हैं। वही कटिहार जिले के बाहरी प्रखंड के सुखासन पंचायत का नया प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला है, जो भाड़े के झोपड़ी नुमा मकान में चल रहा है। लेकिन विद्यालय की व्यवस्था ऐसी कि बच्चे जमीन के बदले बेंच पर पढ़ रहे हैं। इस विद्यालय में वर्ग 1 से 5 तक के 284 नामांकित बच्चे हैं। विद्यालय की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। विद्यालय को जमीन व भूमि नहीं है, ऐसे में विद्यालय यहाँ वहाँ दरवाजे पर भटक रहा था। विद्यालय को डुमरिया विभाग के द्वारा शिफ्ट किया जा रहा था। 1 से 5 के बच्चे छोटे छोटे हैं, ऐसे में बच्चों को डुमरिया ले जाना कठिन था। शिक्षक तौफिक नामा ने बताया कि पोषक क्षेत्र के बच्चे जो सुविधाजनक बेहतर शिक्षा देने के लिए 6 शिक्षक अपने वेतन मद से इस भवन को 1600 रुपये किराया भरते हैं। बच्चे के बैठने के लिए बेंच, डेस्क, सारी सुविधाएं हैं। शिक्षक ने बताया कि गांव में सरकारी जमीन देख रखी है, वहां पर जल्दी विद्यालय को शिफ्ट भी कर लिया जाएगा। शिक्षकों की व्यवस्था से ग्रामीण भी खुश है, जिसका कारण विभाग के द्वारा दूसरे विद्यालय के शिफ्ट के आदेश पर ग्रामीण वहां विद्यालय को जाने देने के लिए तैयार नहीं है। विद्यालय को डीपीओ बीपीओ द्वारा कई बार जांच भी की गई है, वही व्यवस्था से वह संतुष्ट भी है। क्या कहती है बीईओ शशिकला ने बताया कि विद्यालय को डुमरिया शिफ्ट कराने को कहा गया है। शिक्षक किस मत से किराए की राशि दे रहे हैं, इस संदर्भ में विद्यालय प्रधान से जवाब मांगा। वैसे विद्यालय की शिक्षक की व्यवस्था काबिल तारीफ है। 4 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग सभी शिक्षक, 6 शिक्षक मिलके इस स्कूल का भाड़ा देते हैं, क्योंकि जहाँ शिफ्ट किया गया है यहाँ से दूरी उसका 3 किलोमीटर है। 1-2 क्लास के बच्चे छोटे छोटे हैं, क्योंकि उतना दूरी तय करके स्कूल नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोग उस क्षेत्र में ही विद्यालय चला रहे हैं। आपका परिचय? रूबी कुमारी। क्या है? पंचायत शिक्षिका, NPS हरिजन टोला, इस्लामपुर।